हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने भाई के चैनल लाइन एक्स किंग्स में। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा क्योंकि आप सभी ने बहुत प्यार दिखाया है। मैं बहुत टाइम से थोड़ा बिजी था तो इसलिए वीडियो नहीं ला पा रहा था। आप सभी के मेरे पास बहुत से मैसेज आ रहे थे कि भाई आजकल आप वीडियो क्यों नहीं लेके आ रहे, कहाँ बिजी हो। तो सॉरी भाई, मैं बता दूँ कि मैं कोई प्रोजेक्ट में बिजी था इसलिए वीडियो नहीं आ रहे थे। तो अब से शायद ऐसा नहीं होगा, मैं जितना हो सकेगा मैं वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा आप सभी के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आरपीएम और यम क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है मतलब, और हम इसको यम को कैसे अपने रेड हैट में कॉन्फ़िग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आरपीएम और यम एक पैकेज इंस्टॉलर है जो कि हमारे रेड हैट में बहुत से पैकेज जिनकी कमी होती है उनको इंस्टॉल करता है। इन दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहले हम आरपीएम की बात करते हैं। आरपीएम से जब हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो डिपेंडेंसीज मांगता है, जैसे कि किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए और बाकी सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो वो पहले बोलेगा कि पहले इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, तभी आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। इसीलिए हम आरपीएम का यूज़ नहीं करते, यम का ज़्यादा करते हैं। क्योंकि यम जो है ना, अपन जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी डिपेंडेंसीज को, पैकेज की डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेता है, इसलिए यम का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम यम को कैसे कॉन्फ़िग कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हम यम को यहाँ से भी कॉन्फ़िग कर सकते हैं। अगर अपन वीएमवेयर यूज़ कर रहे हैं, वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें सीडी लगी हुई होती है। तो हम सीडी को ओपन करके यहाँ से, और यहाँ पे जो इसका सर्वर फोल्डर ना, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ से ये फाइल अपन कर सकते हैं। फिर यम, इसके जरिए अपन यम कॉन्फ़िग कर सकते हैं। आगे जो कमांड बताऊंगा वो कॉमन सी कमांड है, लेकिन मैं आपको इस मेथड से नहीं बता रहा, ये तो बिल्कुल ईजी है, कोई भी कर लेगा। तो मैं आपको थोड़ा एक अलग मेथड बता देता हूँ, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया। अब दूसरा मेथड है, एक विंडो को सर्वर, जैसे कि मेरे पास ये RHEL5 की जो फाइल आई है, सो फाइल वो मेरे पास विंडो में है। तो सबसे पहले विंडो को अपन को क्या बनाना पड़ेगा? सर्वर। तो विंडो को सर्वर बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत छोटा सा है, 2.5 MB 3 MB का ही है, एवरीथिंग बोल के। हमें वो डाउनलोड करने पड़ेगा और उसके टूल्स में जाके ऑप्शंस नाम से एक ऑप्शन ही शो होगा, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और इस पर HTTP और FTP को इनेबल कर लेंगे, जिससे कि हमारी विंडो मशीन क्या बन जाएगी, एक सर्वर बन जाएगी। और फिर इसके जरिए हम अपनी ISO फाइल को अपनी रेड हैट में डाल लेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम यहाँ पे करते हैं अपना टर्मिनल ओपन। तो इसको हम ब्राउजर में भी कर सकते हैं, और अगर हम कमांड लाइन मोड में हैं तो हम इसको ई लिंक्स के थ्रू कर सकते हैं, ई लिंक्स। और जो अब जैसे कि मेरी उसकी आईपी चेक कर लेता हूँ मैं, आईपी क्या थी विंडोज की, सीएमडी ओपन करूंगा मैं यहाँ पे, इसकी आईपी चेक कर लेता हूँ। आईपी कॉन्फ़िग, विंडो की आईपी चेक करने के लिए क्या होता है, आईपी कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे मेरी इसकी आईपी है ये रही 192.168.1.7। तो मैं यहाँ पे डाल दूँ 192.168, सॉरी 192.168.1.7, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा मैं। तो आप देख सकते हैं मेरे विंडो मशीन पे चार ड्राइव थी जो कि यहाँ पे शो हो रही है। तो मेरे पास शायद ई में है ISO फाइल, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर में जाऊँगा मैं और यहाँ पे ये रही मेरे पास इसकी ISO फाइल RHEL 5.0। मैं इस पे एंटर कर दूंगा और यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा और ओके कर दूंगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगी, मुझे नहीं पता इतना स्लो क्यों चल रहा है मेरा लैपटॉप जो भी है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो और कुछ छुपाए भी नहीं अपने पास। तो यहाँ पे 2.8 GB के करीब की फाइल है, तो यहाँ पे पूरी देखते हैं कब तक डाउनलोड होती है। यहाँ पे अगर आपको कुछ इंस्टॉल करते टाइम दिक्कत आती है या फिर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जितना हो सकेगा मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। अगर आपको और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं पूरी मेहनत करूँगा वीडियो बनाने के लिए आपके लिए।
तो आप देख सकते हैं हमारी ये फाइल ISO फाइल डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं ऐसे मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, LS करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये फाइल आ चुकी है, RHEL 5.0 ISO फाइल। तो चलो अब मैं बात करता हूँ हम इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करें, यानी कि इसको एक फोल्डर के साथ माउंट कर देंगे जिससे ये फाइल एक्सट्रैक्ट भी हो जाएगी साथ साथ में। तो एक बाय डिफॉल्ट फोल्डर होता है माउंट करने के लिए MNT बोल के, जो खाली होता है, तो हम इस फाइल को उसमें डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे कमांड डालता हूँ माउंट ओ लूप RHEL ISO और इसको स्लैश MNT के साथ माउंट कर देंगे। और अब हम CD करके MNT फोल्डर में चलते हैं। और यहाँ पे LS करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक सर्वर की फाइल मिल रही है। ठीक है, तो अपने को ये सर्वर की फाइल ही चाहिए। मैंने यहाँ पे भी बताया था कि अपने को सिर्फ ये फाइल चाहिए यहाँ से। मैं यहाँ से भी ले सकता था, लेकिन यहाँ से तो यार आप भी ले सकते हो, इसलिए मैंने एक दूसरा मेथड बताया आपको कि हम यहाँ से भी ले सकते हैं फाइल को, और एक ऐसे इस तरीके से विंडो को सर्वर बना के भी फाइल को ले सकते हैं। ठीक है, जो कि आगे आपको काम में बहुत आने वाला है ये मेथड, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब मैं इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी के लिए कमांड होती है CP और RV। ये हम RV इसलिए काम में ले रहे हैं, और इस कमांड को यूज करते टाइम RV आपको काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सर्वर फोल्डर के अंदर और भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, इसलिए RV को यूज में लेना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, जो भी हमारे फोल्डर्स के अंदर फोल्डर होते हैं या फिर फाइल होती है, वो सभी कॉपी हो जाती है। ठीक है, इसलिए RV टाइप किया है मैंने, वरना अगर एक फोल्डर होता है या फिर कोई फाइल होती है तो हम CP से भी कर सकते थे इसको कॉपी, लेकिन अगर फोल्डर्स के अंदर फोल्डर और फाइल ऐसे हो तो CP स्पेस हाइफन RV का यूज करना जरूरी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डालता हूँ, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ CP हाइफन RV सर्वर और स्लैश, मैं इसको रूट में डाल दूंगा रूट। तो ये हमारी फाइल रूट में जा रही है। यम बहुत इम्पोर्टेंट है रेड हैट में, आगे आगे हमारे यम सर्वर बहुत ही काम आने वाला है। तो ये हो चुका है, अब मैं यहाँ पे यू माउंट कर देता हूँ उसको, यू माउंट MNT। ओके, ये डिवाइस बिजी बता रहा है, तो मैं यहाँ पे CD करता हूँ और अब कमांड डाल के देखता हूँ। सॉरी यार, यू माउंट MNT। तो ये यू माउंट हो चुका है, क्योंकि मैं MNT के अंदर घुस के उसको यू माउंट कर रहा था, तो इसलिए वो डिवाइस बिजी बता रहा था। ओके, तो अब मैंने बाहर निकल के किया ना, तो ये यू माउंट हो गया है। तो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो अब हम यम को कॉन्फ़िग करेंगे, तो यम की रिपोजिटरी जो डिफॉल्ट लोकेशन होती है वो कौन सी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। विम स्लैश etc यम डॉट रेपो डॉट डी। तो अब आगे हमें को इसकी कॉन्फ़िग फाइल बनाने, तो हम वो किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन उसका एक्सटेंशन डॉट रेपो में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे XYZ डॉट रेपो कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा, और यहाँ पे आई प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम इसका नाम लिख देंगे याद रखने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन याददाश्त के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल गेम सर्वर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसलिए मैंने बस यहाँ पे नाम लिख दिया फाइल का, ताकि हमें याद रहे अगर अपन मल्टीपल यम को इंस्टॉल करें तो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डालता हूँ बेस URL इज इक्वल टू फाइल स्लैश, दो आते हैं, दो तो आते ही, और एक हमारा रूट का हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 3 स्लैश डाल देंगे, आप याद रखें। और सर्वर का हमेशा S कैपिटल होता है, ये ध्यान में रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसकी मीनिंग को एक बार चेक कर लें। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी मीनिंग से भी बहुत सी गलती हो जाती है, और फिर अपन देखते हैं कि हमारा क्यों नहीं हो रहा, वहाँ पे तो हो गया था। तो ये सब कुछ
दिक्कत ना आए, इसलिए आप अच्छे से देख लें एक बार, उसकी थी कोशिश करें करने की। यहाँ पे सेव करने के लिए डब्ल्यू की प्रेस कर दूंगा। ओके, और अब यहाँ पे कोई मैं पैकेज इंस्टॉल करके देखता हूँ कि हमारा यम वर्क कर रहा है या नहीं। यम इंस्टॉल पाइथन, तो आप देख सकते हैं हमारा यम कॉन्फिग हो चुका है, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। हम यहाँ पे कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि यम सॉरी यम इंस्टॉल जावा। ये बहुत बड़ी साइज है इसलिए पूछ रहा है, ये हम इंस्टॉल जावा ही कर लेते हैं आप। और जैसे कि अपने को करना ही है, अपने को श्योर है कि अपने को करना ही है, तो अपन यहाँ पे हाइफन वाई दे देंगे, जिससे कि अपने से परमिशन नहीं लेगा। जैसे कि अपने से यहाँ पे परमिशन मांग रहा था, तो जैसे कि हमारे से यहाँ पे परमिशन मांग रहा था यस और नो की, तो अपन यहाँ पे अगर हाइफन दे देते हैं ना यस करके, तो ये परमिशन नहीं मांगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देखना, ये देख लो, अब परमिशन नहीं मांग रहा ना, ये सीधा ही डाउनलोड कर देगा इसको। ये देखो हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से हम गेम सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने रेड हैट के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अगर अच्छी लगे तो ही लाइक करना है, वैसे कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का धन्यवाद वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए।